अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हमारे खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो देखो कितनी ज़बरदस्त है। हिमास ने ऐसा हमला किया है इसराइल पर मेरे दोस्तों के, एक फेस्टिवल हो रहा था जंगल के अंदर, हो रहा था खुले मैदान में, और ऐसा हमला किया है कि बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए वहाँ। बेगुनाह लोगों का क्या कसूर है, आवाम का क्या कसूर है, आवाम को मारते हो, आवाम को मारने की इजाज़त कहीं नहीं है मेरे दोस्तों। अगर किसी को किसी से दुश्मनी है तो उसी से बदला ले सकता है, आवाम को मारने का किसी को हक़ नहीं है। तो मेरे दोस्तों क्या है पूरी वीडियो का सच, आप वीडियो देखिए, हम देरी नहीं लगाते, जरा भी आप वीडियो देखिए। इसराइल पर हमास के हमलों को देख दुनिया दहल चुकी है। ध्यान से देखना इन हमलों दोस्तों। से जुड़े कई वीडियो सामने आ रहे हैं, सैकड़ों इसराइलियों की मौत हो चुकी है, वहीं कईयों को बंधक बनाया गया है। सबसे ज्यादा मौत एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हुए हमले में हुई है। यह सुपरनोवा फेस्टिवल दक्षिणी इसराइल के रेगिस्तानी इलाके में ओपन ग्राउंड में हो रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अचानक इस पार्टी पर हमास के लड़ाके हमला बोल देते हैं। यहाँ मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखते हैं। रेस्क्यू एजेंसी जाका के मुताबिक इस फेस्टिवल साइट से 260 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं। फेस्टिवल में गए लोग जो बच गए वो उस मंजर को याद कर अभी भी सिहर जाते हैं। Terrorists be coming from four or five places, not like one direction. So we didn't know where to go here. So then I got into my car again. I drove a little bit more. I got some people were shooting on me. I left the car, I start to run. I saw a place with many pomelo tree. Many pomelo trees, like it was there like 200 trees, okay? So I was going in the middle, just in the middle. Oh, and wow. I was lying in the floor, which is the second hidden that I find. And they were just all around me. And they were going tree by tree and shooting. Oh. Everywhere. From two sides, and I saw many people, like people were dying, like all around. You go over there, there was a lot of people dead next to her. It was unbelievable that she was able to escape, because next, right and left from where the car was there was bodies next, right and left. You can really see that the terrorists took out people from the car and just gunned them down. इस बीच एक जर्मन महिला ने सोशल मीडिया पर कहा है कि उनकी बेटी को हमास चरमपंथी अगवा कर ले गए हैं। माना जा रहा है कि इस महिला की बेटी का नाम शानी लूक है, जो जर्मनी की रहने वाली हैं और इस म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने इसराइल पहुंची थीं। शानी लूक की मां ने कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी का एक वीडियो देखा था जिसमें वो अचेत अवस्था में एक कार में दिखी। Eine deutsche Staatsbürgerin mit einer Touristengruppe im Süden von Israel entführt worden von palästinensischen Hamas. Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte, bewusstlos im Auto mit den Palästinensern und wie sie den Gazastreifen abgefahren sind. Ich bitte jede Hilfe oder jede Neuigkeiten bitte zu uns schicken. Vielen Dank. जिस जगह कुछ समय पहले म्यूजिक, डांस और रौनक बिखरी हुई थी, वहां हमले के बाद अब सिर्फ बर्बादी, तबाही और खौफ का मंजर दिखाई दे रहा है। सड़क पर कई गाड़ियां मौजूद हैं जिनमें आग लगी है और वो उन हमलों की कहानी बयां कर रही हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन लोगों के बारे में ये सब क्या हो रहा है इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आप लोगों को, और वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।